योग कथा। हम लोग जीवन में कई प्रकार के कथा सुने, नहीं श्री राम कथा, श्री कृष्ण कथा, सत्यनारायण कथा, बृहस्पति बार कथा, हैं हजारों कथा हम लोग सुनते आए हैं। लेकिन आज हम योग कथा का श्रवण करेंगे और योग कथा श्रवण करके और उसका अभ्यास भी हम करने वाले हैं। तो आज इस योग कथा के माध्यम से हम पूरे गांव, पूरे देश और पूरे दुनिया को संदेश दे रहे हैं। गांव का नाम कितना बढ़िया, श्रीनगर, बताइए। और श्रीनगर गांव कितना सुंदर है। इस सुंदर गांव में कोई मीट मछली अंडा खाने वाला नहीं होना चाहिए, कोई दारू शराब खैनी बड़ी सिगरेट पीने वाला नहीं होना चाहिए, तभी तो गांव का नाम श्रीनगर पड़ा होगा। हमारे पूर्वज कोई बेवकूफ़ थोड़े थे, पागल थोड़े थे कि गांव का नाम श्रीनगर रखे हैं। यहाँ के लोगों में श्री निवास करता था। श्री मतलब श्री उसी को लगाते हैं जहाँ प्रतिष्ठा हो, जहाँ पर श्रद्धा हो, नहीं तो श्री का मतलब ही होता है वहाँ पर सब कुछ आदर्श रूप में स्थापित रहा होगा। आज हम अपने गांव के नाम को केवल प्रतीक के रूप में देख करके समझे कि क्या हमारे गांव में उस तरह के लोग निवास करते हैं या नहीं। हमारे गांव में मीट मछली अंडा दारू शराब खैनी बीड़ी सिगरेट ये चलना चाहिए कि बंद हो जाना चाहिए, तभी जा कर के जो नाम है वो चरितार्थ होगा। तो ये कैसे होगा, योग करने से होगा, योग कथा श्रवण करने से होगा। तो आइए आपको थोड़ा अनुलोम विलोम के बारे में बताएंगे और हम लोग उसका थोड़ा अभ्यास भी करेंगे। एक बार देख लीजिए, हाथ दाहिना ऊपर करेंगे, तर्जनी को मोड़ेंगे, दाहिना अंगूठा को दाहिने नाक पे लगाएंगे और बाएं नाक से धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस भरेंगे, फिर बाएं नासिका को बीच की दो मध्यमानामिका उंगली से बंद करेंगे, फिर दाहिने नाक से सांस को छोड़ेंगे, फिर दाहिने से भरेंगे और दाहिना बंद करके बाएं से छोड़ेंगे। यही अभ्यास हम लोगों को कम से कम 2 मिनट करना है और घर में आपको रोज 15 मिनट करना है। आँख बंद कर लीजिए और अभ्यास करते रहिए। नाक पे लगाइए अपने हाथ को, आँख बंद रखिए, धीरे धीरे बैठा रहिए, धीरे धीरे। जिसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जिसको नंबर कम आ रहा है, जिसको कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, इसके लिए यहाँ मेडिटेट करने के लिए, एकाग्र करने के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्रदान, दुनिया का सबसे ऊपर अमृत को भर देना है।